हेलो उत्तर प्रदेश, मैं फतेहपुर की आवाज हूं। नहीं पहचाना? बड़े बड़े शहरों में अक्सर फतेहपुर के साथ ऐसा ही होता है। बीते दिनों एक ऑडिशन के दौरान मैं इलाहाबाद में था, एक बड़ा नामी गिरामी कलाकार ने मुझसे कहा कि सतीश जी, फतेहपुर में कुछ नहीं रखा है, आ जाइए यहाँ। मैं सच बताऊं, इन लाइनों ने जैसे मेरा वजूद हिला दिया और अगले कई दिनों तक टाइम मशीन में बैठकर मैं फतेहपुर के अतीत से सीधी बातचीत करता रहा, कुछ इस अंदाज में कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैं अपना परिचय दूं आचार्य विष्णु के शब्दों में कि जाके उत्तर में माई गंग बहे और दक्षिण में यम की भगिनी है, पूरब तीरथ राज प्रयाग और पश्चिम कर्ण को धाम धनी, असुनी के कुमारन की गिनती नहीं शेष हो नाग से जात गनी, तप भूमि यही भृगुनाथ की है जिन विष्णु की छाती पे लात हनी। अपनी सांस्कृतिक यात्रा में मैंने पाया कि मेरी वाणी में आदेशात्मक गौरव है महर्षि भृगु का, जिनकी कर्मस्थली भिटौरा उत्तर वाहिनी गंगा के होने की साक्षी है, जिनका आदेशात्मक नियंत्रण सागर मंथन के दौरान असुरों और सागरों दोनों को अनुमन्य था। मैंने पाया कि मेरी आवाज में अनुगूंज है महर्षि वेदव्यास की, जिनका साक्षात्कार नौबस्ता की मिट्टी ने किया था। मैंने पाया कि मेरी आवाज में विस्मय है महाभारत के सबसे विस्मयकारी पात्र अश्वत्थामा का, जिसकी कहानियों को संजोए हुए असोथर आज भी अपने आप में गौरवान्वित है। मैंने पाया कि मेरी वाणी में वैभव है गुप्त सम्राटों द्वारा बनाए गए ईंटों के मंदिर का, मझिल गांव तेंदुली भीतर गांव। मैंने पाया कि मेरी वाणी में पराक्रम है रावण के द्वारा स्थापित मझिल गांव के शिव मंदिर का। मेरी वाणी में उदात्तता है हिमालय में पाई जाने वाली जड़ी रुद्रवंती की, एकमात्र दूसरी उर्वरा भूमि मझिल गांव के होने का। मैंने पाया कि मेरी वाणी में पिघलती है गुरु नानक देव जी और गुरु अर्जुन देव जी की बानिया, जिनका आतिथ्य का सत्कार कभी हदगांव को मिला था। मैंने पाया कि मेरी आवाज में लरजती है मीराबाई की पंक्तियां, जिनके द्वारा स्थापित गिरधर गोपाल का मंदिर मेरी शानदार विरासत है। मैंने पाया कि मेरी आवाज में अनुगूंज है ठाकुर दरियाव सिंह के बलिदान की, मेरी वाणी में अनुगूंज है डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्ला के बलिदान की, जो 1857 की क्रांति के महानायक थे। मेरी आवाज में कशिश है उन 52 शहीदों की, अनाम शहीदों की, जिन्हें 52 इमली में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के आरोप में फांसी दी गई थी। कितने नाम गिनाऊं? पत्रकारिता के शिरोमणि गणेश शंकर विद्यार्थी के का मूल स्थान हदगांव, राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कर्मस्थली पिंडकी, रमानाथ अवस्थी जी, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी, अशोक वाजपेयी जी, ढेरों नाम है हिंदी साहित्याकाश के स्वर्गीय धनंजय अवस्थी जी, जिन्होंने फतेहपुर को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दिलाई है। फिर ग्रहण कहां लग गया? क्यों आजादी के 70 सालों तक हमने लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जैसे महानगरों के आकाश से छन कर आती हुई गर्त को सूरज मानकर पूजा है? मैं पूरी विनम्रता से याद दिलाना चाहूंगा कि जो कौमें अपना इतिहास याद नहीं रखती, इतिहास उनको ही भूल जाता है। मैं पूछना चाहूंगा फतेहपुर से कि प्राथमिक पाठ्यक्रम में, प्राथमिक पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में फतेहपुर की यह शानदार विरासत एक सिरे से गायब क्यों है? मेरा आग्रह है फतेहपुर के शिक्षा अधिकारियों से कि फतेहपुर के प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में फतेहपुर की यह शानदार विरासत शामिल की जाए। मेरी गुजारिश है फतेहपुर के जिला प्रशासन से कि फतेहपुर में जगह जगह पर ऐसे परिचय बोधक पट्ट लगवाए जाएं जिससे फतेहपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का बोध हो सके। मेरी गुजारिश है
फतेहपुर के आम जन से कि इस वीडियो को शेयर करें, एक एक आदमी तक पहुंचाएं, ताकि फिर किसी फतेहपुर की आवाज को इलाहाबाद में कुछ न होने का दंश न बर्दाश्त करना पड़े। हिंदी के बड़े सशक्त हस्ताक्षर दुष्यंत कुमार जी, उनके शब्दों में, केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहता हूं मैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे ही सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय फतेहपुर, जय उत्तर प्रदेश, वंदे मातरम।